तू ऐसे नहीं मानेगी। छोड़ो मेरा हाथ। तुझे अपना दर्द दिखाई दे रहा है और तू जो मुझे दर्द दे रही है उसका क्या? आज मैं तेरा बुहाल करूंगा, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। तानिया, इस तरह रो रो कर क्यों अपने आप को दुख दे रही है? तेरी माँ खत्म होगी तो क्या हुआ? इस तरह तेरे रोने से कोई वापस थोड़ी ना आ जाएगी। तेरा सारा जीवन पड़ा है, हंसते खेलते गुजार। भैया, जब से मेरी माँ खत्म हुई है ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। खुद भूखा रहकर वो मुझे खाना खिलाया करती थी और मैं जब भी स्कूल जाती थी तो कहीं ना कहीं से मुझे पैसे ला के देती थी। भैया, जब भी मेरी तरफ कोई आंख उठा के देखता ना, तो मेरी माँ हमेशा उससे लड़ने को तैयार रहती थी। जब से मेरी माँ खत्म हुई है ना भैया, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अब आप ही बताओ भैया, मैं रो नहीं तो क्या करूँ? अरे पागल, हम सगे भाई नहीं है तो क्या हुआ? चचेरे भाई तो हैं। क्या चचेरे भाई भाई नहीं होते क्या? हम दोनों भाई तुझे अपनी बहन से भी ज्यादा मानते हैं। मैं तो अपना भाई होने का फर्ज अदा करना चाहता हूँ और तू भी अपनी बहन होने का फर्ज अदा कर। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत ले, तुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दूंगा। भैया, आप तो मुझे अपनी बहन बनाकर रखोगे, लेकिन आपके छोटे भाई शंकर है ना, वो कभी मुझे अपनी बहन नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं आपके ऊपर बोझ बनकर जाना नहीं चाहती। तान्या, तू उसकी चिंता मत कर, उसे मैं समझा लूंगा। और देख, तू जवान है और जवान लड़के का घर में रहना अकेला ठीक नहीं है। और रही बात बोझ की, तो हमारी अपनी सगी बहन होती तो वो भी हम पर बोझ होती क्या? बल्कि लड़कियां हमेशा घर की लक्ष्मी होती हैं। और बहन, ज्यादा सोच विचार मत कर, चल मेरे साथ। ठीक है भैया। तान्या, मेरा कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, और तुम अंदर जाकर काम करना। ठीक है भैया। ए, अंदर कहाँ घुस चले जा रही है? और तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? तू अपनी माँ को तो खा गई, अब क्या हम दोनों भाइयों को भी खाना चाहती है? नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो? आप मेरे भाई हो, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? क्या पता तू हम दोनों भाइयों को मारकर हमारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर ले। भैया, ठीक ठीक बोलो, मैं आपकी जमीन जायदाद का करूंगी क्या? मुझ पर तो पहले से काफी सारी जमीन है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल बाहर, चल निकल। क्या हो रहा है शंकर? ये अगर हमारी सगी बहन होती तो क्या उसके साथ भी ऐसे ही करता? हाँ मैं करता, अगर हमारी सगी बहन इसकी तरह होती तो तुम उसे भी इस घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देता। भैया, मैंने आपके साथ ऐसा कर क्या दिया जो आप उससे इतना नफरत करते हो? हाँ मैं करता हूँ तुझसे नफरत, क्योंकि तू नफरत करने के लायक ही है। अगर मेरे इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है तू, और तुझे मैं अपनी बहन क्या? मैं तेरे हाथ का पानी भी नहीं पीऊँ, समझी? शंकर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। एक तो इस बेचारी की माँ खत्म हो गई है, इसे सहारा देने की बजाय और तू उसे नफरत किया जा रहा है। तान्या, तू अंदर जा। भैया, तुमने इस लड़की के पीछे मुझे थप्पड़ मारा, जब मेरे ही घर में मेरी ही इज्जत नहीं तो मैं क्या करूँगा इस घर में रहकर? अब मैं जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर, तुम दोनों ही रहने इस घर में। छोटे, तू मेरी बात को नहीं समझा। भैया, मैं जानता हूँ तुम मुझे कितना चाहते हो और उस लड़की को कितना चाहते हो। छोटे, मैं तुझे अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ, और रही बात उस लड़की की, तो उस लड़की को मैं एक मकसद से लेकर आया हूँ। बस बस भैया, रहने दीजिए, मैं सब जानता हूँ आप उस लड़की को किस मकसद से लेकर आए हो। शंकर, मेरी बात तो सुन ले, मैं इस लड़की के लिए किस मकसद से लेकर आया हूँ? इसकी माँ तो ख़त्म हो गई, अब बची सिर्फ ये, और इसके नाम पर जितनी भी जमीन घर मकान है ना, एक न एक दिन सब अपने नाम करा लेंगे और इसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देंगे। अच्छा भैया, तो ये मकसद है आपका? अब समझे ना? हाँ भैया, मैं बहुत अच्छे से समझ गया। तो ठीक है, जा और जाकर तो उससे माफ़ी मांग ले, ताकि वो हम पर शक ना करे। ठीक है भैया।
तान्या एक बात बताओ, तुमने अपनी पढ़ाई रोक दी? भैया आप सब कुछ जानते हो, फिर भी ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ बहन, मैं जानता तो सब कुछ हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू फिर से पढ़े। चाहती तो मैं भी हूँ कि पढ़ने जाऊँ, लेकिन हालात और परिस्थितियों को देखकर मेरा मन नहीं करता। तान्या अपनी हालात और परिस्थितियों को ही मजबूती बना ले और कुछ बनकर देखा, जाकर के तैयार हो जा, मैं खुद छोड़ कर आऊंगा तुझे। ठीक है भैया। अरे सुनिए तान्या जी। अरे राजू कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं यहीं पर ठीक है, आपको जो भी बात करनी है यहीं पर करो, पर भैया ने देख लिया ना तो झगड़ा हो जाएगा। अरे तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था, फिर ये भैया कहाँ से आ गए? राजू तुम्हें नहीं पता था, थे मेरे चाचे के भाई, जब से मेरी माँ खत्म हुई है तब से मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार पड़ता है। क्या तुम्हारी माँ खत्म हो गई और मुझे बताया भी नहीं? छोड़ो राजू, आप मुझे ये बताइए तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रोका है? अगर मुझे किसी ने यहाँ बात करते देख लिया ना तो पता ना क्या क्या सोचेगा। तान्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा जो तुम चाहती हो। देखो राजू, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। जब से मेरी माँ खत्म हुई है तब से मेरे चचेरे भाइयों ने मुझे सहारा दिया है, उन्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। और मैं तुम्हें समझाती हूँ, तुम अपने घर जाओ और अपने करियर पे ध्यान दो। कल की लोंडिया मुझे समझा रही है मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तेरे जैसी लड़कियाँ मेरे आगे पीछे घूमती हैं और मैं तेरे आगे पीछे घूम रहा हूँ, इतना भी भाव खाना ठीक नहीं है। मैं तुझे प्यार से हासिल करना चाहता था लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपना दर्द दिखाई दे रहा है और तू जो मुझे दर्द दे रही है उसका क्या? आज मैं तेरा बोहाल करूंगा, तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ राजू, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे इंसान हो। छोड़ो मेरा हाथ वरना मैं अपने भैया से शिकायत कर दूंगी। आज देखता हूँ तुझे कौन बचाने आएगा, तेरा भाई आएगा या तेरा आशिक। चल छोड़ो मुझे, चल छोड़ो मुझे। अरे भैया ये देख तू, तान्या का पड़ा हुआ है। हाँ शंकर तू ठीक कह रहा है, मुझे तो लगता है तान्या की जान को खतरा है क्योंकि वो चीख भी रही है। चल राजू छोड़ो मुझे, अजी छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया ले चलो साले वो थाने, जब इसमें पुलिस डंडे पड़ेंगे ना तो इसकी सारी हकड़ी निकल जाएगी साले की। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बहन को छेड़ना तो क्या आपकी बहन की तरफ देखूंगा भी नहीं। तो जैसे नीच लोगों की वजह से आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और तूने क्या सोच लिया मैं तुझे माफ़ कर दूंगा? जब तक तुझे सबक नहीं सिखा दूंगा तब तक तू सुधरेगा नहीं। भैया जाने दो इसे, अभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। लेकिन तान्या इसने तेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करी है, इसे तो सबक मिलना ही चाहिए। भैया ये माफ़ी मांग तो रहा है, आप इसे माफ़ कर दो। देख ले ऐसी होती है हमारी बहनें, इतना कुछ करने के बाद भी तुझे माफ़ करने को बोल रही है। चल निकल जा, आज तो हमने तुझे इसकी कैन पर छोड़ दिया, आगे से मैंने तुझे इसके साथ गलत करते देख लिया ना तो तेरी ये आंखें निकाल लूँगा। मैंने आपको ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप यहाँ खड़े हो, लेकिन आप एक बात बताइए आप इतनी धूप में यहाँ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं बहन, अपने खेतों में जो फसल उगी है ना वो मैं बेच के आया था, उसी का हिसाब लगा रहा था।
और नीचे मैं ये सब कर नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चे ज्यादा शोर मचा रहे थे। भैया मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे देते। अच्छा लेकिन पैसों को करेगी क्या? और एक बात बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मेरे पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, और अगर मैं पेपर में पास हो गई ना तो UPSC की तैयारी करूँगी, और UPSC क्लियर करने के बाद IAS ऑफिसर बनूँगी। ये तो बहुत अच्छा होगा बहन, जिस तरह से तुम मन लगा कर और मेहनत करके पढ़ाई कर रही है ना, ऐसे ही करते रहना, एक ना एक दिन तेरी मेहनत रंग लाएगी और तू IAS ऑफिसर बनकर ही रहेगी। अच्छा ठीक है, तू नीचे जा, मैं नीचे आकर तुझे पैसे दे दूँगा। ऐसे नहीं मानेगा, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तू तो चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूं। शंकर, शंकर। जी भैया। देख शंकर, यही अच्छा मौका है उस लड़की की सारी जमीन अपने नाम कराने का। पर भैया वो कैसे? शंकर वो ऐसे है, एक कोरा कागज लेकर इस लड़की के पास चल और उस पर उसके साइन करा लेना। हाँ भैया आप ठीक कह रहे हो, जब इस लड़की के कोरे कागज पर साइन हो जाएंगे ना तो हम नेकपाल को पैसे देकर सारा काम करा लेंगे। हाँ तो ठीक समझा। आप भैया ऐसा करिए, आप उस लड़की के पास जाइए, मैं कोरा कागज लेकर अभी आता हूँ। चिंता मत कर, अभी शंकर आता ही होगा, और शंकर जैसा जैसा कहे वैसा ही करना, आज उस राजू को हम सबक सिखा ही देंगे। तान्या तू ऐसा कर, इस कागज पर साइन कर दे, उस राजू को तो हम देख ही लेंगे। अब क्या सोच रही है, जल्दी साइन कर दे इस पर, ये ले। लेकिन भैया ये तो कोरा कागज है, इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। तान्या तू घबरा क्यों रही है, इस पर जो भी लिखना है शंकर ले लेगा, और उस पर ऐसी ऐसी धाराएं लगवाएंगे वो कभी जेल से बाहर भी नहीं आएगा। चलो भैया जब आप कह रहे हो तो मैं साइन कर देती हूँ। चलो भैया अब हमारा काम हो गया। रुको भैया अपना काम तो हो गया। फोन आ रहा है। हेलो हेलो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुमने जैसा जैसा बोला था वैसे मैंने सारा काम कर दिया, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। ठीक है तू चिंता मत कर, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, अभी हमें जो काम करना है वो करने दे। ठीक है ठीक। भैया अब हमारा काम तो हो गया, अब इस लड़की को घर में रख कर क्या फ़ायदा, ऐसा करते हैं हम इस लड़की को घर से बाहर निकाल देते हैं। सबर कर सबर, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले हमें इन कागजों का जो काम करना है वो करने चलते हैं, उसके बाद देखेंगे। तान्या, ए तान्या इधर। हाँ भैया। मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आ। ठीक है।
पानी लेकर नहीं आई। तान्या, ये तान्या मर गई क्या? पानी लेकर आ। अभी आ रही हूँ भैया। तू एक बात बता, तुझको मैंने पानी के लिए कहा, लगभग 1 घंटा हो गया, तुझ पर अभी पानी नहीं लाया गया? वो भैया घर में कुछ काम था इसीलिए देर हो गई। लो पानी पी। मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरा काम कोई भी निकले तो इस घर में सबसे पहला काम मेरा होगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा, समझी? ठीक है भैया। ये क्या, मुझे इतना गंदा पानी पिलाना चाहती है और ऐसा पानी पिलाकर मुझे मारना चाहती है? ये ले, मुझे नहीं पीना ऐसा पानी। हाँ हाँ मैंने देखा था कितना साफ था पानी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो ये तो बाद में देखूंगा। मुझे इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते, शंकर भैया अभी तक इतने नाराज नहीं हुए, लेकिन आज क्या बात हो गई भैया इतने नाराज। तान्या, ए तान्या बाहर आ। क्या हुआ भैया, क्या बात है और आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तान्या मैंने तुझे कल अपने कपड़े दिए थे धोने के लिए, तूने धो दिए क्या वो? भैया घर पे काम जा रहा था इसीलिए मैं आपके कपड़े नहीं धो पाई, लेकिन आज दोपहर को मैं आपके कपड़े धो दूंगी। तान्या तुझे पता भी है आज मेरा बाहर जाना कितना जरूरी है और तूने मेरे कपड़े नहीं धोए? तू हर काम लापरवाही से करती है, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है लेकिन तेरे समझ में नहीं आया। शंकर क्या बात है, तू इस पर इतना नाराज क्यों हो रहा है? देखो ना बड़े भैया, वो ठीक ही कह रहा है, अब तू हर काम लापरवाही से ही करती है, मैं तेरे हर काम को नज़रअंदाज करता रहा लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी लापरवाही की वजह से हम दोनों भाइयों को ना जाने कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है, इससे पहले हम तुझे धक्का देकर बाहर निकालें चुपचाप तू अपना मुँह बंद करके हमारा घर खाली कर दे। लेकिन भैया आप तो मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन आज ये सब क्या है? वो सब प्यार और दुलार ये दिखावा था तेरी जमीन को भी नाम कराने के लिए, हमने ये सब किया था और तूने जिस दिन उसको कागज पर साइन किए थे उसी दिन हमने तेरी सारी जमीन अपने नाम करा ली। अब तेरे शहर में कोई काम नहीं है, तू यहाँ से निकलती है या हम तुझे धक्का मार कर बाहर निकालें। भैया ये सब क्या है, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आप एक बार मुझसे कहते तो सही, मैं हंसी खुशी अपनी जमीन आपके नाम कर देती, लेकिन आपने तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ओहो कितनी भोली बन रही है तू, ऐसे ही अपनी जमीन हमारे नाम नहीं कर देती। हमने एक प्लान बनाया था तेरी जमीन को अपने नाम कराने के लिए और तू उस प्लान में फंस गई, समझे? भैया शक तो मुझे उसी दिन हो गया था लेकिन मेरा दिल नहीं माना। अरे तुम दोनों एक बार मुझसे कहते तो सही, मैं हंसते हंसते अपने प्राण नौछावर कर देती, तो ये जमीन क्या चीज़ है? तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं और इस धोखे का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। ये हमसे बदला लेगी? जब तू हमसे बदला लेगी तो यहाँ पर तू कर क्या रही है? चल निकल, चल निकल। Thank you.
भैया आपकी जहाँ तक नजर जा रही है ये सारी जमीन हमारी है। हमने गरीब किसानों से उनकी कम दामों में जमीन खरीद कर अपने नाम करा ली। ये तो तूने बहुत अच्छा किया शंकर, और यहाँ के किसान क्या जाने सारे एक एक पैसों के लिए मोहताज होते हैं। उनको जितना पैसा फेंकोगे उतना ही काम हमारा अच्छे से निकालेंगे, समझे? भैया मुझको बस एक बात खटक रही है। क्या? वो जो राजू है ना, उसने जो हमारे लिए काम किया था हमने उसके पैसे अभी तक नहीं दिए, और वो बार बार मुझे फ़ोन कर कहता है अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूँगा। तुमने अपनी उस चचेरी बहन को जो धोखा दिया था भैया, उसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शंकर तू चिंता क्यों करता है, वो राजू हमारा क्या बिगाड़ेगा? अरे ऐसे तो ना जाने कितने लोग हमारे पीछे षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन उसे नहीं पता हमारे पास कितना रुपया है। अगर हम किसी भी अफसर के मुंह पर देकर पैसा मारेंगे ना तो वो कुछ भी नहीं करेगा हमारे आगे। देखो भैया वो राजू यहीं पर आ रहा है। देखिए साहब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए वरना मैं आपको पुलिस को पकड़वा दूंगा। मुझे पता है तुमने अपनी चचेरी बहन के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। शंकर ये बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इसने कुछ नहीं किया। तूने भी तो उस लड़की के लिए परेशान किया था। जा नहीं देते हम तुझे तेरे पैसे, जो तुझे करना है वो कर लेना। वो सब मैं देख लूँगा, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शंकर ये हमें धमकी दे रहा है, शायद ही जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। ए राजू चुपचाप इस खेत से बाहर हो जा वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। देखो साहब समझ जाओ, और हाँ तुमने अपनी जिस चचेरी बहन को धोखा देकर घर से बाहर निकाला था ना, वो आज बहुत बड़ी अफसर बन चुकी है, और मैंने सुना है वो आज यहीं आई। ए जमींदार बहुत होगी तेरी ये बदमाशी, तूने जितने भी किसानों की जमीन पर कब्जा किया है ना उस सारी जमीन पर सरकार ने कब्जा कर लिया, और वो जमीन जिस जिस की भी है उन्हें वापस दे दी जाएगी। शंकर देखा ये 100-100 रुपए में कोर्ट बिकने वाले पहन कर आ गई है, तो अपने आप को बड़ा अफसर समझ रही है। चल मान लिया अगर ये अफसर है भी तो ऐसे अफसर हमारा कर क्या लेंगे, ऐसे अफसरों के मुँह पर पैसे देकर मारे ना तो मुँह बंद हो जाएगा। बता कितने रुपये लेगी तू? तूने मैडम को समझ के रखा है, तुझे पता भी है ये जिले की नई आईएएस ऑफिसर है, समझा? ये जिले की नई आईएएस ऑफिसर तो क्या हुआ, मैं इन्हें टाइम से हफ्ता पहुंचाता था। लगता है तुझे मैडम की पावर का पता नहीं है, तू उन अधिकारियों की तरह समझ रहा है इन्हें भी जो खुश खाकर तेरा काम चलवाते रहेंगे। ये मैडम बिल्कुल सख्त है, ये कभी भी ऐसा नहीं होने देंगी। धर्म छोड़ो, इनसे इस फाइल पर साइन ले लो और इन्हें ले चलो। तान्या मुझे माफ कर दो, आखिर तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे छोड़ दो और जितनी भी सारी जमीन है मैं सब वापस कर दूंगा। तू अभी मैडम को नाम से पुकार रहा है, अभी तुझे पता नहीं है ये कौन है। बहन इन दोनों ने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही हमारी बेइज्जती पर? भाई भाई बता रहा है मेरे लिए तुम दोनों उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया था। ऑफिसर ले चलो इन्हें, अगर ये बाहर रहेंगे तो ना जाने कितने गरीबों को परेशान करेंगे। रुको ये तो रह ही गया, इसे भी ले चलो, इंदौनी की साजिश में इसका भी बड़ा हाथ था।